काम डाउन शुरू हो चुका है। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। के साथ में रोहित कुमार, आप न्यूज फाउंडेशन पर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं काराकाट में, जहां पर उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजस्वी यादव और लालू यादव का बिना नाम लिए हुए बड़ा हमला बोला है। कहा है कि जिन लोगों ने नौकरी के बदले जमीनें ली हैं गरीबों की, उनको जेल जाना ही पड़ेगा। ये मोदी की गारंटी है। उन्होंने कहा कि केंद्र में सत्ता में फिर से वापस आने के बाद एनडीए सरकार बिहार को लूटने वालों को छोड़ने नहीं वाली है। तेजस्वी यादव पर इशारों में हमला करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि जो आजकल हेलीकॉप्टर से खूब घूम रहे हैं, हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद उनका रास्ता जेल की तरफ जो है तैयार हो जाएगा, यानी कि वो जेल जाएंगे। क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेजस्वी यादव, लालू यादव और परिवार को लेकर के, सुनवाते हैं किस तरीके से हमला बोला है काराकाट में। गुनाह किया है तो छोटा आदमी जेल जाना चाहिए कि सबसे बड़ा है वो जाना चाहिए? बड़ा हो जेल जाना चाहिए ना? तो मैं बड़ों को भेज रहा हूं तो अच्छा कर रहा हूं ना, सही कर रहा हूं ना। और मैं आज बिहार के लोगों को एक और गारंटी दे रहा हूं, जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंट डाउन शुरू हो चुका है। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। बिहार को लूटने वालों को एनडीए सरकार छोड़ेगी नहीं, और ये एनडीए की गारंटी है, मोदी की भी गारंटी है। भाइयों और बहनों, ये इंडी गठबंधन वाले अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग बिहार और बिहारियों के अपमान के खिलाफ आवाज तक उठाते नहीं हैं। कांग्रेस के पंजाब के नेता ने बिहार से वहां काम करने गए, वहां मेहनत करके ईमानदारी से जीवन जीने वाले हमारे बिहारी मजदूर भाई बहनों का घोर अपमान किया, भद्दे शब्दों में अपमान किया। कहा अब हम उन्हें बिहारियों को पंजाब में घर नहीं देंगे, घुसने नहीं देंगे। कांग्रेस के मिनिस्टर ने कहा है, कांग्रेस के शाही परिवार ने इसके विषय में मुंह पे ताला लगा दिया है। क्या कभी कांग्रेस के शाही परिवार ने बिहारियों के इतने बड़े अपमान के लिए बिहार से माफी मांगी क्या? बिहारियों से माफी मांगी क्या? और ये इनको